सबसे पहले एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाता हूँ महाराष्ट्र का, जहाँ पिछले 5 दिन से हमारे साथी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए धरने पर बैठे हैं, लेकिन किसी मीडिया ने कवर नहीं किया। तो सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि मीडिया बिका हुआ है, लेकिन आप और हमको खुद ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और ये चैनल आपका है, जवानों का, कर्मचारियों का चैनल। बाकी ये चैनल हमने आप जैसे जवानों के लिए, कर्मचारियों के लिए, अन्याय अत्याचार के लिए बनाया है। आप चाहते तो अपनी आवाज़ खुद बनने के लिए चैनल से जुड़ो और चैनल की शक्ति बनाओ। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी एक वीडियो आया है महाराष्ट्र से, जहाँ पिछले 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं हमारे कुछ साथी, ओपीएस को लेकर, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भूख हड़ताल पर है, लेकिन कहीं किसी न्यूज में नहीं है, कोई सोशल मीडिया उनको दिखा नहीं रही है। वो क्या सिर्फ अपने लिए बैठे हैं क्या? ओल्ड पेंशन चाहिए आप सभी को, और भूख हड़ताल करे वो, अपनी जान दे वो। अगर ओपीएस चाहिए तो आप सभी, मैं नहीं कहता कि महाराष्ट्र में जाकर आप आंदोलन करो, अपने अपने जगह पर। वो लोग तो भूख हड़ताल कर रहे हैं, आप नॉर्मल धरने प्रदर्शन छोटे छोटे करो, सरकार के तक ये चीजें भेजो। वो कुछ लोग अगर इसी तरह बैठे रहे तो हो सकता है भगवान को प्यारे हो जाएंगे, या उनकी जीत होगी तो पेंशन क्या उन्हीं को मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। इसलिए कुछ लोग लड़ते हैं और कुछ लोग सिर्फ नॉर्मल घूमते रहते हैं कि उनको मिलेगी तो हमको मिल जाएगी। कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों का साथ दो और कम से कम वीडियो शेयर करके ये आवाज़ सरकार तक पहुंचा दो। पेन्शनच्या संदर्भात पॉझिटिव्ह आहोत, एवढे तुम्ही यांना एक विश्वास द्यासाहेब, फोनवरच बोला, माईक चालू करायला लावतो। माझे पवार साहेब बोलत आहेत फोनवर, सर्वांनी शांत राहा। साहेब बोला, हा येतोय साहेब।